girls with their nails done now. तो भाई यहाँ पे डोनट देख सकते हैं, इसमें ये चीज़ें डली हैं इंजन में। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया यार ये इंजन ऑयल मोटूवी का 7100 एंड उसके बाद लिक्को मोली का शूटर। अब गाइस इसका ये काम होता है कि जो जस्ट बिकॉज जैसे मैंने तो बताया आज मैं अकेले निकला हूँ। तो गाइज मैं अपने घर से आ चुका हूँ काफ़ी दूर। ओके तो गाइज सबसे पहले अपोलोजाइज करना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से आई नो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया एंड भाई धूप काफ़ी ज़्यादा लग रही है, मतलब गर्मी बहुत हो गई है। तो आई नो गाइज मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं करी है जस्ट बिकॉज यार मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया था, तो उसकी वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया। एंड सॉरी फॉर द एंगल, अगर ख़राब होगा तो मेरे को आगे जाके पता लगेगा, मैं फिर ठीक कर लूँगा। ओके सो या हाँ, मैं जैसे कि बोल रहा था कि मतलब मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था, बट डजंट मैटर, योर बॉय इज़ बैक अगेन। तो हाँ गाइज, अभी एक अच्छी खबर यह है कि हमारे चैनल ने रिसेंटली 1K हिट कर लिया। सो यार गाइज कंग्रेचुलेशन यार तुम सभी को। आई नो यार इतने ज़्यादा नहीं है बट स्टिल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है ये चीज़, एंड मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज मुझे पता है भाई मैंने जीरो से स्टार्ट किया। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, मेरा एक भी सब्सक्राइबर नहीं था, मतलब मैंने कभी किसी को बोला नहीं कि भाई चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैंने जस्ट एक वीडियो डाली थी ऐसे फ़ोन से, मेरे पास भाई फ़ोन नहीं था ढंग का रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब इससे बाहर निकलता पहले फिर बात करता हूँ मैं। वेट वेट वेट, तो भाई आगे भी अपलोड है, मतलब गाइज मैं ऐसे फ़ोन से रिकॉर्ड करता था ना, मैं तुम्हें उसकी हालत बताऊँगा अभी, तुम देखोगे 30 FPS रिकॉर्ड होता था भाई 720p से। मेरी जर्नी तो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। यहाँ पे मैं 8th class से वीडियोस डाल रहा था बट कभी चली नहीं, आई डोंट नो क्यों भाई। गेम प्ले वगैरह भी मैंने डाले थे बट नहीं चला कुछ भी। तो उसके बाद मैंने अपना अकाउंट वगैरह बंद कर दिया था। देन रिसेंटली हमारी राइट में आई है एंड इसकी मैंने वीडियो डाली, जस्ट 15 सेकेंड की एक वीडियो थी टायर चेंज के बारे में। तो भाई बूम यार वो वीडियो चल गई, आई डोंट नो कैसे बट चल गई वो। अब गाइज मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, मेरे पास फ़ोन तक नहीं था, मैंने अपने फ्रेंड के फ़ोन से वो वीडियो रिकॉर्ड करके डाली थी। जस्ट एक पैशन था कि यार मेरे को भी यूट्यूब पे वीडियोस डालनी है, तो बस उस पैशन को मैं फॉलो कर रहा था। मैंने एक वीडियो डाली, इतनी ज़्यादा मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं एंड फिर जाके फाइनली अपनी प्यारी, अब इसका मैं नाम क्या रखूँ यार, मेरे को तुम कोई नाम बताओ इसके लिए। तो अपनी प्यारी NS ही बोलते हैं फिलहाल इसे, तो अपनी प्यारी NS की जो मैंने वीडियो डाली गाइज बहुत चल गई। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी छाया है तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ और 2 मिनट बात कर लेते हैं। ओके तो 1K हो गए गाइज, बहुत बड़ी बात है, मतलब आई नो तुम सोचोगे भाई क्या बोल रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है बट स्टिल गाइज मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये फ़ोन की हालत देखो तुम, तो यहाँ से भाई ये बाहर आ गया है, इतनी बुरी हालत है इसकी। आई यूज़ टू रिकॉर्ड विद दिस फ़ोन एंड बाय द वे गाइज अभी के टाइम पे तुम्हारे भाई के पास अलग अलग फ़ोन है। सो कोई बात नहीं, होता है भाई, टाइम सबका आता है। तो मैंने तुम्हें अपना फ़ोन दिखाया भाई, मैं इस फ़ोन से शूट करता था। अभी यार सीन ऐसा है ना कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना यूट्यूब वीडियोस बनाना, सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को आई थी ना यहाँ के एरिया में, मतलब यू नो द पीपल अराउंड हियर इज जस्ट यू नो ऐसे है ना वो कि मतलब ये क्या कर रहा है लड़का, पागल हो गया ऐसे वैसे है ना। तो बहुत सीन होता है भाई गाइज, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। साथ के जितने भी हैं ना उन सभी ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने मेरे को सपोर्ट किया, मैं अपने फ्रेंड के फ़ोन से मैंने वीडियो बनाई है। तो बहुत 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 शुक्रिया भाई सबका जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया। एंड आई थिंक मेरे को पीछे रुक गया था, मैं वापस आ गया। ऑल राइट गाइस, सो अभी लगे हाथ में तुम्हें दिखा देता हूँ कि मेरा मोटो ब्लॉगिंग का क्या सेटअप है। सो एज यू कैन सी गाइस, ये है पूरा, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो ये डायरेक्टली फिट हो जाता है, ये तुम्हें मिल जाएगा ऑनलाइन, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहां से बाय कर लेना। ये पूरा का पूरा 499 का आता है एंड उसके बाद जो मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ 10
या नोट 10 प्रो है, सो ये रेडमी नोट 10 प्रो है, इससे मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ वाइड एंगल वाली, एंड या लिटरली एवरी वीडियो नहीं बट कुछ वीडियो मैं अपने फ्रेंड के फ़ोन से भी यूज़ करता हूँ, उसके पास है रेडमी नोट 9 प्रो एंड या तो ये था मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेट। आई थिंक अभी हमें चलना है, मैं स्पीच करता हूँ अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे एंड लेट्स गो एंड राइड। हाँ या लेट्स डू इट। ओके गाइस, सो अभी तुम देख सकते हो आज हमारे पास NS 160 है, एंड आई नो मेरे चैनल पे एक पहले भी वीडियो है NS 160 की, बट वो मॉडिफाइड नहीं थी, बट ये वाली कम्प्लीटली मॉडिफाइड है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इसके मोड्स के बारे में बता देता हूँ, इसमें क्या क्या मोड्स किए गए हैं। गाइस तुम देख सकते हो इसके इंडिकेटर चारों KTM वाले हैं, ये भी एंड पीछे से भी देख लो, एंड नेक्स्ट थिंग इस पर टेल टाइडी है, एंड उसके बाद इसमें फ्लैशर डाला है X-Flash का, जो मेरे चैनल पे वीडियो है तुम देख सकते हो जाके। उसके बाद यार ग्राफिक्स और डिटेल्स मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बिकॉज तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी जो मेन चीज़ है इसमें जो है वो मोटूल डला है एंड लिको मोली का शूटर डला है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इंजन पे, मतलब थोड़ी एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हुई है एंड और भी काफ़ी चीज़ों पे फ़र्क पड़ा है। अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, और लेट्स गो, तुम देख सकते हो इसमें ये चीज़ें डली हैं इंजन में। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया यार ये इंजन ऑयल मोटूल का 7100, एंड उसके बाद लिको मोली का शूटर। अब गाइस इसका ये काम होता है कि जो तुम्हारी इंजन है ना उसकी लाइफ को ये थोड़ा इंक्रीज़ कर देता है और डैमेज से बचाता है। एंड ये हमारे पास आ गया इंजन फ्लश, ये जो इंजन ऑयल होता है ना जो काला हो चुका होता है, मतलब जो वेस्ट हो गया होता है तुम्हारा इंजन ऑयल, इसको पूरी तरह से रिमूव करने के काम आता है। एंड देन ये उसके बाद ये फ्यूल में डलता है, सो ये पूरा परफॉर्मेंस किट इसमें डाला है, एंड उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। तो मैंने पहले स्टॉक वाली चलाई थी, अब मैं इसे चलाऊँगा और मैं तुम्हें दिखाऊँगा कितना फ़र्क पड़ा है कितना नहीं। तो उसके बाद मैंने तुम्हें मॉडिफिकेशन का बता दिया, सब चीज़ें बता दी, एंड परफॉर्मेंस के लिए ये डला है, अगर तुम चाहो तो डलवा सकते हो, ये तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगा सब कुछ, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, तुम चेक कर लेना। ऑल राइट, सो गाइस अभी हम जा रहे हैं इसका राउंड लगाने, तो अभी देखते हैं भाई, लेट्स गो गाइस। टोटल रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ये देखो वाओ, मज़ा आया गाइस, मतलब जो टोटल रिस्पॉन्स है ना काफ़ी बढ़िया है, मतलब और एकदम से रैप ले, मतलब इसका जब मैं इसे रैप कर रहा हूँ तो एकदम से इसकी सुई ऊपर जा रही है, उसमें डीले वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। वाओ, तो गाइस अभी तुमने देखा इसमें ऑल लाइट, तो गाइस परफॉर्मेंस में मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लग रहा है, मतलब बाइक स्पीड काफ़ी जल्दी पकड़ रही है। ओके, एक चीज़ इसकी यह है कि जैसे मैं मतलब थ्रॉटल दे रहा हूँ ना, ये देखो जैसे मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ तो इसके साथ ही सुई ऊपर जा रही है, ज़रा सा भी डीले नहीं है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें लिमिटर जल्दी आ रहा है, आई डोंट नो क्यों, जो पहले मैंने चलाई थी इसमें 11,000 पे आ रहा था, यहाँ पे लिमिटर आ रहा था, इसमें यहाँ पे आ रहा है, तो उसके कारण, बट इसका एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया पहले से, इंजन की वाइब्रेशन भी ख़त्म हो गई है, मेरे को कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है, ना हाथों में हो रही है ना टांगों में हो रही है, एंड आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रही है। ओ भाई भाई देख रहे हो कितनी अच्छी पावर मिल रही है इंजन से बाइक को, वाओ भाई, यहाँ पे डोनट डोनट गाइस, तुम सब ये ट्राई मत करना, तुम देख सकते हो एकदम खाली रोड है, तुम खाली रोड पे ट्राई कर रहे हैं। ओ भाई काफी ज्यादा पावरफुल था यार, वाओ वाओ, ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था टायर, इसमें फुल पावर गया इसमें। ओके तभी हम चल रहे हैं,
अभी हम यहाँ पे रील्स निकालेंगे, वो तुम्हें इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगी, फॉलो कर लेना। एंड लिटरली गाइस थैंक यू फॉर द 1K बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरे 1K हो सकते हैं, इसलिए वेरी 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 थैंक यू गाइस। और हमारे काफ़ी